12 जुलाई 2013 हिंदी फिल्मों के खलनायक प्राण ने इस दुनिया को अलविदा कहा। फिल्म पत्रकार बनी रुबेन ने प्राण की बायोग्राफी और प्राण, जिसमें उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई सारे किस्से लिखे हैं, तो उसी किताब से छोटा सा वाकया आपके लिए। प्राण का एक्टिंग से प्यार तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें खेलों से भी उतना ही लगाव था, खास तौर पे हॉकी, जो कि उनका फेवरेट गेम माना जाता था। साथ ही फुटबॉल के मैदान में प्राण को अक्सर खेलते हुए देखा जाता था, और हर हिंदुस्तानी की तरह क्रिकेट से लगाव प्राण को भी था। तो ऐसा ही एक किस्सा है कि जब कपिल देव नए आए थे तब का हुआ यूं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कपिल देव को सिलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट एकेडमी में भेजने के लिए, ताकि उनकी बॉलिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छा किया जा सके। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे नहीं थे, बजट की कमी थी, और ऐसा उन दिनों क्रिकेट की जो पत्रिकाएं थी उसमें ये खबर निकली, और इस न्यूज़ को प्राण ने पढ़ा, और इसके पढ़ने के बाद वो आगे आए इस बात के साथ कि कपिल देव का आने जाने का और वहाँ रहने का सारा खर्चा वो उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि उनकी बॉलिंग स्किल्स और अच्छी हो सके। और ये बात जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता चली कि प्राण ने पैसे ऑफर किए हैं, तो शायद उन्हें कुछ एहसास हुआ होगा, और उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कपिल देव को अपने खर्चे पे ऑस्ट्रेलिया भेजा, उनकी बॉलिंग स्किल्स को और भी ज़्यादा निखारने के लिए। भारतीय सिने जगत का ये बैडमैन रियल लाइफ में खेलों को बहुत प्यार करता था, तो क्या आप जानते थे? तो ये थी बात प्राण के एक और प्यार की।